प्राइम के न्यूज चैनल देख रहे सभी दर्शकों को एक बार फिर जोरदार स्वागत है। यूपी के बुलंदशहर में हत्या का दिल दहलाने वाला आया मामला सामने। बुलंदशहर में सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के हीरा कॉलोनी में अवैध संबंधों का बंधक बने पति की एक पत्नी ने प्रेम के साथ मिलकर गला घोट कर दी निर्मित हत्या। आइए हमारे बने रहिए, पूरी खबरों को नजर डालते हैं और जांच पड़ताल करते हैं। बुलंदशहर में हत्या का दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। बुलंदशहर के सिकंदर थाना क्षेत्र के हीरा कॉलोनी में वैध संबंधों में बाधक बने पति की एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर गला घोटकर कर दी हत्या। दरअसल पुलिस ने 12 दिसंबर की सुबह को फोन आया था, जिसमें एक लड़के ने अपने भाई की हत्या होने की जानकारी पुलिस को दी। कॉल करने वाला मृतक कृष्णपाल का भाई था। कृष्णपाल मोटरसाइकिल के एजेंसी में कार्य करता था। 11 दिसंबर की रात हुआ, कृष्णपाल का बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ शैल समूह में शिकृत हुआ बाहर आया हुआ था। उसी समय पत्नी रीना व प्रेमी अभिषेक ने मिलकर कृष्णपाल की चुन्नी से गला घोटकर कर दी हत्या। पुलिस ने शक के आधार पर मृतक कृष्णपाल की पत्नी रीना से पूछताछ शुरू की। रीना ने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि पति कृष्णपाल उसके वैध संबंधों में बाधक बना हुआ था। पुलिस ने दोनों हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया है। दिसंबर को सुबह थाना सिकंदराबाद में हीरा कॉलोनी एरिया में सूचना मिली कि एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में घर पर डेड बॉडी है, तो पुलिस मौके पर पहुंची थी। उसमें इसका एक्चुअली वो सुसाइड नहीं था, मर्डर था, उसका खुलासा हो गया है। इसमें उसी की पत्नी का रोल पाया गया है। पत्नी का यहाँ पे निम्बस हॉस्पिटल में काम करती थी। उसने 15 दिन पहले नौकरी छोड़ दी थी। वहाँ पे उसके किसी के साथ अवैध संबंध हो गए थे, तो उसमें ये लड़का उसके घर जाता था। कल रात को भी वो उसके घर था, तो पति ने उनको आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, तो उसके बाद उन्होंने मिलकर उसकी हत्या गला दबाकर हत्या कर दी थी। तो इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। FIR भाई की तरफ से दर्ज हो गई है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।